नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ जेड में और जेड में मेला भरा हुआ है। यहाँ पर एक आए हुए व्यापारी से हम बातचीत करेंगे जिनका नाम नारायण जी है, मेरी जानकारी में है। क्या पता नाम सही बोल रहे हैं, गलत पूछना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण लखरई है जी। तो जैसा कि आप कई मेलों में ये आपकी दुकान लगा के देखे हैं, तो क्या क्या सामान लेके आए हैं? हमारे मेला में सबसे मतलब एक मनियारी का जो सामान रखते हैं, उसमें बच्चों का ज्यादातर खिलौना रखते हैं जी। इसके अलावा महिलाओं का श्रृंगार का सामान भी रखते हैं, जैसे पायजेब है, चूड़िया है और जो भी बिंदिया है, टिकी वगैरह। और ज्यादातर अभी पिछला ये काफी मतलब फेमस मेला है, लंबे समय चल रहा था। और एक दो साल इस मेले में कुछ आपसी तनाव की वजह से, गाँव के झगड़े की वजह से एक साल ये दो साल मेला ड्रॉप हुआ था। उस वजह से लोगों का जो ठहराव कम हो रहा है। पहले दिन रात दो सब मेले चल रहा था, बाकी अब गांव वालों ने अच्छा निर्णय लिया, रात का समय मेला नहीं करते हैं। और दिन का भी है, आज थोड़ी भीड़ कम है, बाकी फिर भी है कि मतलब लोग जितनी दुकान आई है इनका काफी अच्छा मतलब रहेगा, धंधा पानी अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे लोगों का गाँव का सहयोग अच्छा है यहाँ का। आप कितने सालों से आ रहे हैं? हमारा तो मतलब मेरे फादर के साथ में आया था, जब से मैं छोटा था तब से। ओके। यानी मुझे लगभग मतलब मेरी जो उम्र होगी 45 साल, तो मुझे मान लो। अच्छा। जबकि मेरी 56 मतलब 51 साल है, बाकी मुझे कम से कम 45 साल से मैं आ रहा हूँ, 6 साल के बाद जाना फादर के साथ आ रहा था। तो यहाँ पर लोग आके क्या करते हैं? यहाँ के लोग आने के बाद एक तो आपस में मिलान करते हैं, और जो भी युवा लोग होते हैं तो वो अपने मतलब एक दूसरे का परिवार भी करते, जैसे लड़का लड़की को पसंद आ जाता है तो वो अपना रिश्ता भी हो जाता है इनका जी। ये तो यहाँ पर मेला होने का कोई कारण है क्या? ये मेला तो यहाँ तो मेले का क्या, ये जैसे हिंदू संस्कृति में वैशाख सुदी पूर्णिमा का जो त्यौहार होता है, ये मतलब बहुत मतलब पवित्र त्यौहार है। और ये वैशाख महीने का समापन के लिए यहाँ महादेव जी का मंदिर है, उसमें भजन वगैरह करते हैं रात्रि जागरण का। और आज के बाद ये मेला भी वैशाख महीने कोटला जो ब्लॉक का आज का मेला विसर्जन है। Okay. आज के बाद वैशाख का जो लास्ट मेला है। अच्छा। इसके बाद कोटला में अगले साल मेला आएगा जी, समापन इस साल का जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Okay. तो दोस्तों ये थे नारायण जी, जिन्होंने बताया जेड मेले के बारे में और वैशाख महीने के अंतर्गत और आदिवासियों के कोटड़ा क्षेत्र का ये अंतिम मेला है, ऐसा भी इनका कहना था। तो आप बने थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार।